स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, संधि। ये लोअर क्लास से लेके हायर क्लास तक की बच्चों के लिए हैं, और जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाता है। उसमें भी संधि चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न ज़रूर आते हैं। संधि बनाना, संधि विच्छेद करना, और सबसे जरूरी जो इम्पॉर्टेंट है कि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं ये कौन सा संधि है। कुछ कुछ बच्चे संधि विच्छेद तो कर लेते हैं, संधि भी बना लेते हैं, लेकिन ये कौन सा संधि है ये नहीं बता पाते हैं। तो चलिए हम एकदम इजी तरीका से इस चैप्टर को आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना है कि संधि का मतलब क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। मान लीजिए कोई दोनों दोस्त में झगड़ा हो गया है, बहुत झगड़ा हो गया है, और कुछ दिन बाद वो लोगों का मेल हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो दोनों दोस्तों में फिर से संधि हो गया है। यानी संधि हो जाना मतलब मेल हो जाना। तो व्याकरणिक तौर पर जब दो वर्णों को परस्पर के मेल से जो विकार, यानी विकार का मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन आता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यानी दोनों वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो चलिए आपको हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। उदाहरण, एक एग्जांपल ले लिए हम, एक शब्द ले लिए, सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, जब दोनों वर्णों को हम अलग अलग करके हम लिखेंगे, ठीक है, जब दोनों को अलग कर देंगे हम दोनों शब्दों को, तब ये विच्छेद हो जाएगा। वर्णों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तब वो हो जाता है वर्ण विच्छेद, और शब्द को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तब वो क्या हो जाता है, संधि विच्छेद। तो सूर्योदय को देखिए हम कैसे अलग करते हैं, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय हो गया है सूर्योदय। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, अ, ये अ, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए आपको समझना है कि ये अ वर्ण है, प्लस यहाँ पर। और दूसरे जो शब्द है, पहला शब्द का आपको अंतिम वर्ण को देखना है और दूसरे शब्द का आपको पहला वर्ण को देखना है। तो पहला वर्ण क्या है, उ, उ, और दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ओ, ओ। यानी दोनों वर्णों के देखिए आपस के मेल से जो दूसरा क्या आ गया है, ओ वर्ण आ गया है, यही होता है संधि। ये दोनों वर्णों को मेल से अ और उ, छोटी उ का मेल से क्या आ गया है, ओ, इसमें विकार परिवर्तन हो गया है, सूर्योदय सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। तो चलिए अब हम बताएंगे संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों देखिए संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ये स्वर संधि क्या होता है बच्चों, जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब बच्चों देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, चौथा हो गया यण संधि, और पांचवा हो गया अयादि संधि। आइए अब एक एक करके आपको हम समझाते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि
क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है। जब हर्ष्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। बच्चों दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी शब्द में बड़ी की मात्रा देखेंगे, यानी बड़ी मात्रा मतलब यहाँ पर देखिए आ है, मतानुसार यहाँ पर आ है, ये देख के आप समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। फिर यहाँ देखिए कविंद्र में बड़ी, ये भी बड़ी की मात्रा है तो ये भी दीर्घ संधि है। यहाँ देखिए भानुदय, यहाँ पर भी बड़ी उ है, बड़ी उ की मात्रा है, ये देख के आपको समझ लेना है कि ये दीर्घ संधि है। मत जोड़ अनुसार मतानुसार, तो यहाँ पर अ, यहाँ पर पहला शब्द का अंतिम वर्ण देखिए अ, इसमें कुछ भी मात्रा नहीं है, यानी ये अ है, अ जोड़, और इसमें भी पहले क्या आया है, सेकंड शब्द का देखिए पहला वर्ण है अ, अ और अ का मेल से बनता है आ, आ, अ और अ से बनता है आ, इसलिए यहाँ मतानुसार का संधि विच्छेद हुआ है, मत जोड़ अनुसार। नेक्स्ट देखिए कविंद्र, कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, यहाँ पर अ, यहाँ पर ई है छोटी, जोड़ छोटी, यहाँ पर क्या बन गया बड़ी। तो बच्चों इस संधि के नियम को जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए छोटी जोड़ छोटी मिल करके हो गया है बड़ी ई, इसलिए कविंद्र क्या हुआ है, कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। फिर नेक्स्ट देखिए भानुदय, तो यहाँ पर बड़ी उ, बड़ी उ, ये मात्रा देख के, बड़ी का मात्रा देख के आप समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर भानु जोड़ उदय क्या हो गया, भानुदय। यहाँ पर देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी उ, जोड़ यहाँ पर भी है छोटी उ, और मिल करके बन गया बड़ी उ, ये मिल करके छोटी उ जोड़ छोटी उ हो गया है बड़ी उ, तो ये हो गया दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि क्या होता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए सेकंड नंबर में गुण संधि, गुण संधि क्या होता है। अ और आ के बाद अगर छोटी बड़ी के मेल से ए बनेगा, छोटी उ और बड़ी उ के मेल से ओ बनेगा, तथा री के मेल से अर हो जाता है, तो वहाँ गुण संधि होता है। चलिए हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे देखिए देवेंद्र, तो यहाँ पर बीच में कौन सी मात्रा आया, बीच का आपको देखना है ए की मात्रा आया है। यहाँ पर देखिए परोपकार, तो यहाँ पर बीच में कौन सी मात्रा आया है, ओ की मात्रा आया है। और यहाँ पर सप्तर्षि जो री है वो अर का उच्चारण में आया है, तो ये देख के ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री जो अर का उच्चारण होगा, ये देख के आपको समझना है कि ये गुण संधि का उदाहरण है। तो देवेंद्र में देखिए देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, यहाँ पर पहला वाला शब्द का अंतिम वर्ण आया है अ, कुछ भी मात्रा नहीं है, यानी ये क्या है अ जोड़ ई, अ जोड़ ई मिल करके बन गया है ए, ए बन गया है, देव जोड़ इंद्र बना है देवेंद्र। नेक्स्ट देखिए परोपकार, यहाँ पर जोड़ उपकार, यहाँ पर क्या आया है अ, अ वर्ण है प्लस यहाँ उ है, उ वर्ण, आपको फर्स्ट जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण को देखना है और सेकंड शब्द का उसका पहला वाला वर्ण को आपको देखना है। तो जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होता वहाँ अ वर्ण लिखा जाता है और इसका पहला वर्ण उ है, मिल करके बन गया है ओ, ओ बना है यहाँ पर जोड़ उपकार बना है परोपकार। नेक्स्ट देखिए सप्तर्षि, शब्द जोड़ ऋषि सप्तर्षि, तो यहाँ पर
फर्स्ट वाला शब्द का आपको अंतिम वर्ण को देखना है। तो यहाँ पर अ आया है जोड़, यहाँ पर पहला वर्ण क्या है री, तो अ जोड़ री, इससे क्या उत्पन्न हुआ है अर, अर उच्चारण में आया है। सप्त जोड़ ऋषि बना है सप्तर्षि। तो ये देख के आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री जिसका उच्चारण अर में आएगा देख के आपको समझ लेना है कि ये गुण संधि का उदाहरण है। आपको याद रखना है कि ए ओ और अर का उच्चारण जो आता है वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं वृद्धि संधि के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में वृद्धि संधि। यहाँ देखिए आ आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा और ओ ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, तो वहाँ वृद्धि संधि होता है। बच्चों यहाँ पर जो गुण संधि हम पढ़ाए थे तो गुण संधि में क्या था ए, ए की मात्रा देखने से आपको गुण संधि समझ में आ जाएगा और वृद्धि मतलब उससे बढ़कर, ए से बड़ा क्या होता है ऐ, वो वृद्धि संधि में आएगा। और गुण संधि में और एक क्या मात्रा आया था ओ, और ओ से बढ़कर क्या है उससे बड़ा क्या है ओ, इसलिए इसका नाम वृद्धि संधि दिया गया है। तो वृद्धि संधि में आपको याद रखना है ऐ की मात्रा आएगा और ओ की मात्रा आएगा, जहां पर भी कोई शब्द में आपको ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये वृद्धि संधि है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ है अकेक, तो बीच में देखिए ऐ की मात्रा आया है तो आप समझ जाइएगा कि ये वृद्धि संधि है। तो चलिए इसको विच्छेद करते हैं। एक जोड़ एक बनता है अकेक, इसका वर्ण को हम ले लेते हैं यहाँ पर अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ, और इसका पहला वर्ण क्या हो गया ए, तो अ जोड़ ए से बन गया ए, ए, इसलिए अकेक में होता है एक जोड़ एक अकेक। नेक्स्ट देखिए वनौषधि, वन जोड़ औषधि, इसका पहला वर्ण हो गया अ, कुछ मात्रा नहीं है इसलिए अ, और इसका पहला वर्ण क्या हो गया है इसका ओ, और मिल करके बन गया ओ, ओ बन गया, ठीक है, इसलिए वनौषधि में बना है वन जोड़ औषधि वनौषधि। याद रखिएगा यहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा देख के आपको पहचान लेना है कि ये वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर थर्ड नंबर तक हो गया है, यहाँ पढ़ते हैं फोर्थ नंबर यण संधि। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में यण संधि। यदि छोटी बड़ी, छोटी बड़ी और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ छोटी बड़ी का क्या बन जाएगा य, छोटी बड़ी का बन जाएगा व और री का बन जाएगा र, र हो जाता है। इसको और आसान तरीका हम बता रहे हैं कि आप कैसे समझेंगे कि ये यण संधि है। जब भी आपको दिखाई देगा य, य के आगे कोई आधा वर्ण है, व के आगे कोई आधा वर्ण है और रि का उच्चारण र में आया है तो आपको वहाँ समझ जाना है वहाँ यण संधि होगा। चलिए आपको उदाहरण दिखाते हैं। इत्यादि, इति जोड़ आदि इत्यादि, तो यहाँ पर छोटी जोड़ आ, छोटी जोड़ आ यहाँ पर हो गया या, या। नेक्स्ट देखिए स्वागत, सु जोड़ आगत स्वागत, यहाँ पर छोटी यू जोड़ आ, ये दो वर्ण मिलाकर यहाँ हो गया वा, वा। यहाँ पर पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में देखिए पित्री जोड़ आज्ञा हो जाता है पित्राज्ञा, तो यहाँ पर हो गया ऋ से ऋषि, री जोड़ आ मिला के बन गया रा, ये हो गया यण संधि। और नेक्स्ट देखेंगे हम पांच नंबर का अयादि संधि क्या होता है। अब बच्चों आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ नंबर में अयादि संधि।
ये देखिए क्या होता है, ए एल या ओ ओ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए का क्या बन जाएगा, ए, ए का बन जाएगा आए, ओ का अब और ओ का आब हो जाता है। चलिए उदाहरण में आपको हम उदाहरण के साथ हम समझाते हैं। जैसे देखिए शयन, से जोड़ अन, यहाँ पर पहला वर्ण है ए जोड़ अ, क्या बन गया ए, शयन ए। नेक्स्ट देखिए नायक, ने जोड़ अक, नायक, इसका पहला वर्ण है ए जोड़ अ, बन गया आई। नेक्स्ट देखिए पवन, पो जोड़ अन, पवन, यहाँ ओ और अ मिला करके हो गया अंग। और नेक्स्ट देखिए पावक, पो जोड़ अक, पावक, यहाँ ओ और अ मिला के हो गया आप। ये हो गया अयादि संधि, अधिकतर तीन अक्षर वाले शब्द अयादि संधि में आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन, यहाँ पर जो आधा ज है ये त में हलंत त का रूप ले लिया है। नेक्स्ट देखिए दिग्गज, दिग जोड़ गज, यहाँ पर जो आधा ग है वो क का रूप ले लिया है, यहाँ पर ज त का रूप लिया है और यहाँ पर ग क का रूप लिया है। नेक्स्ट देखिए संकल्प, यहाँ जो बिंदु है ये म का रूप ले लिया है, सम जोड़ कल संकल्प, ये बिंदु जो है ये म का रूप ले लिया है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद ये जो दो बिंदु है इसको हम विसर्ग का चिन्ह कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे देखिए नि जोड़ चय, निश्चय, नि जोड़ मल, निर्मल। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।